तो हाय गाइस, जैसा कि देख सकते हैं हम अपने किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं भगोने में। और देखिए एकदम धीमी आंच पर चल रहा है, गैस को एकदम धीमा हम सब कर दिए हैं और गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। जैसे क्या आदत, उसमें पत्ता तेज पत्ता डाल रहा है और यहाँ पर देखिए मसाला वसाला सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है। और ये जो खड़ा मसाला है इसको भूख चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये लाल मिर्च उठ से जितनी सारी मटेरियल इसमें लगेगा सब इसमें रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ये चावल भी रेडी हो चुका है जिसको डालेंगे, जिससे बनेगा लाजवाब एकदम टनाटन राइस बनेगा भाई। हमको सिखा रहा है भाई, इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पानी वानी अभी उबल नहीं रहा है तो सारा सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें क्या रखा गाइस, इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए गाइस, हम सबका चिकन एकदम चकाचक हो करके रख चुका है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये है इसका लेग और ये तो कचकचा के खाने में ना एकदम कचकचा जाते हैं दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो, तो आप सब देख सकते हैं चिकन कितना टेस्टी लग रहा है। अभी तो कच्चा है, जब पकेगा तब मजा आ जाएगा खाने में। इसको हम सब ढक देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद इसमें चावल और पड़ जाता है तब देखते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आदर्श जो बेवकूफ़ है, देखिए इसमें तेल और डाल दिया है पागलों की तरह और पानी को देखिए गंदा करके पीला पीला कर दिया है। तो ये कहता है कि इसमें तेल डालेंगे तो फिसलन पट्टी बन जाएगा चावल का, हम लोग का नहीं। जैसा कि देखिए यहाँ पे पानी चला रहे हैं आदर्श भैया जी, हमारे बेवकूफ़ हैं एकदम। तो अब बताइए बिरयानी बनाने का कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? दो बार का एक्सपीरियंस है, दूसरी बार बना रहे हैं। एक बार अंडा बिरयानी बना था और इस बार चिकन बिरयानी बनता है। तो आपको फिर से एक बार हम चिकन दिखाने की तरफ चल रहे हैं और ये जो लेग जो देख रहे हैं गाइस आज तक एकदम चकाचक लग रहा है खाने में एकदम। आप सभी तो कच्चा है ना, मुझे पकेगा तब और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तब तक ब्लॉग में बने रहिए, चिकन कैसे कैसे खाते हैं आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमारे लालू भाई बिरयानी बनाने के लिए आ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब सारी मटेरियल यहाँ पे आ चुका है और लालू भाई बताएंगे किस तरह बिरयानी बनता है। इनको बिरयानी बनाने का 5 साल का एक्सपीरियंस, एकदम चकाचक बिरयानी बनाते हैं। एक बार बना देंगे ना तो घर पे आ जाएंगे खाने के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। जैसा कि सब चीज़ यहाँ पे रेडी हो चुका है, भैया चावल उठाए हैं उसमें डालेंगे। अब किस में डालेंगे भैया चावल? पानी खोलने। अच्छा, जब बोल रहे हैं भैया पानी खोल जाएगा उसके बाद, तो पानी जब तक उबलता है तब तक ब्लॉग में बने रहिए। जैसा कि देखिए भैया इसमें फूड कलर डाल रहे हैं जिससे जो बिरयानी का जो कलर है वो वाइट से रेड रेड हो जाए। तो इसमें देखिए एकदम कलर वगैरह अच्छे से डाल दिए हैं भैया। देखते हैं उसके बाद क्या क्या करते हैं बिरयानी स्पेशलिस्ट। बहुत तेज हो रहे हैं, सकते हैं लालू भी अपना सारा खून इसमें डाल दिए हैं, पानी का रंग लाल लाल हो गया है। चलिए नहीं पता कब उबलता है, कब उबलेगा लालू भैया, कितना टाइम लगेगा? देखो चलिए भैया बोल रहे हैं देखने के लिए, देखते हैं। देखिए भैया जी हमारे कह रहे हैं कि कब तक उबलेगा, उससे पहले चलते हैं कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। तो भैया जी यहाँ पे गर्म हो चुके हैं इस टाइम, तो बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो मंगाया जाए भैया कोल्ड ड्रिंक? हाँ चलिए भैया बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, चलते हैं। रात तो काफ़ी हो चुके हैं, 9:30 बज रहे हैं, चलते हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, देखते हैं मार्केट में दुकान खुला है कि नहीं। तो भाई जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे टाइम टाइम सब कुछ चल रहा है और सारा मटेरियल यहाँ पे तैयार हो रहा है बिरयानी बनने के लिए। और देखिए हमारे दोनों भाई लोग हैं, सो हैं, काम कर चुके हैं, बुलांडा काम कर रहा है, बोल कर लिया, देखिए देख रहा है। और ये जो साक्षी है और यहाँ पे बैठी हुई खाई के मैच देख रहा है, तो देखते हैं भाई क्या कर रहे हो। या मुझे भी दिखाओ ना। तो गाइस जैसा कि कुछ बोल नहीं रहा है सोना, इसमें हम लोग से गुस्सा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम सब कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, हम सबका फेस भी उतना नहीं दिख रहा है, चलते हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। एकदम देखिए ब्लैक ब्लैक सब कुछ आ रहा है, चलते हैं उजाले में अब मजा लेते लेते। तो गाइस जैसा कि देख लीजिए हम और आदर्श चल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए, चलते हैं दिख रहे हैं पहुँचते हैं। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और 10:00 बज रहे हैं, ठीक है, चलते हैं हम सब। और देख फ्लैश लाइट जला करके काम चला रहे हैं, चलते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम सब, ठीक है। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आगे। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लालू भाई एकदम चावल वाले एकदम अच्छे तरीके से उबाल चुके हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो लालू भाई एकदम अच्छे से चावल वाले देखिए उबल चुका है, 70% चावल हो गए, 70% चावल हो चुका है। और देखिए अभी कुछ आदर्श कर रहा है ढकने उकने के लिए। हाँ तो जैसा एकदम इस चावल को छानना है ना भैया, अच्छा कितना चावल वही वाला नहीं डालेंगे? अच्छा, तो रेड एंड वाइट कलर रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। कपड़ा लेना
तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं बिरयानी के लिए जो चावल है एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है और आदर्श जो है बैठ करके इसको अच्छे तरीके से फैला रहा है ताकि ठंडा हो जाए और हाँ ज़्यादा छिड़कानी मत कर टूट टाट जाएगा बड़ी समस्या हो जाएगी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं लाजवाब दिख रहा है अभी तो अभी क्या अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आज बिरयानी स्पेशलिस्ट आ चुके हैं इसलिए एकदम बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं सब चावल वावल सब कुछ वहाँ पे भैया फैला दिए हैं और उसके रेडी होने के लिए अभी चावल ठंडा हो रहा है जैसा कि देखिए अभी उसमें भैया मसाला भूजेंगे ना तो सारे मसाला वसाला सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है। भैया देखते हैं फटाफट सारा चीज़ करते हैं ताकि देख सकते हैं भैया बिरयानी बनाने से पहले कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अच्छे तरीके से पी रहे ताकि जो दिमाग वमाग गर्म भैया दिमाग ठंडा जाए। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं तेल वेल डाल चुके हैं प्याज के अब इसके बाद प्याज डालना है गाइस जैसा कि देख सकते हैं भैया भी इसमें प्याज डालने जा रहे हैं तेल डालने के बाद प्याज डाल रहे हैं और एकदम अच्छे तरीके से भैया डाल रहे हैं कान मान हो रहा है इसमें थोड़ा डाल लेंगे भैया प्याज एकदम अच्छे तरीके से प्याज जब लाल हो जाएगा उसके बाद तब और जितना मटेरियल डालना है सब भैया इसमें डालेंगे। अब देखते हैं भैया आगे बताएंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। चलिए तो गाइस जैसे देख सकते हैं प्याज इसमें भैया अच्छे तरीके से डाल चुके हैं अब इसके बाद क्या करेंगे भैया चलाया जाएगा तो उसके बाद इसको चलाया जाएगा तो चलिए अब देखते हैं आगे देखिए छन मन हो रहा है इसमें प्याज को अच्छे तरीके से एकदम लाल कर देना है धीमी आंच पे यह कराया जाता है ना तेज फ्लेम पे यहाँ पे एकदम प्याज वाज डाल देंगे चला वला रहे हैं अच्छे तरीके से ताकि प्याज लाल हो जाए और साथ साथ में एक एक बाइट एक एक सिप मार रहे हैं कोल्ड ड्रिंक भी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते पीते भैया इसको भी आराम तरीके से बना दे रहे हैं एक तरफ दिमाग गर्म हो रहा है दूसरी तरफ ठंडा हो जा रहा है। कई जैसा कि देख सकते हैं सब काम न करती कि बस खाली दिन भर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीना इन लोग को और एक भी काम धाम नहीं है जैसा कि देखिए आदर्श भी कुछ काम धाम नहीं करता दिन भर बैठा रहता है इसको भी देख सकते हैं आप। तो कई जैसा कि देख सकते हैं चावल यहाँ पे आदर्श फर्राटा पंखा लेकर सुखवा रहा है और यहाँ पे मेरे छोटे भाई जो है IPL देख रहे हैं IPL में एकदम डूबे हुए हैं IPL का दीवाना है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं जो प्याज है एकदम अच्छे तरीके से लाल हो चुका है अब भैया इसमें क्या क्या डालेंगे भैया तो जैसा कि देखिए अब अदरक इसमें डालने जा रहे हैं तो अदरक अच्छे तरीके से डाल चुके हैं अब इसके बाद लहसुन डाल रहे हैं अच्छे तरीके से सब चीज़ डाल करके इसमें मिक्स किया जाएगा प्याज एकदम अच्छे तरीके से लाल हो चुका है जैसा कि आप सब देख सकते हैं वीडियो में और अब मिर्च डालने जा रहे हैं मिर्च तो बहुत ज़्यादा तीखा लगता है लेकिन तीखा रहेगा तभी मज़ा आएगा सुसुवाने में। जैसा कि देख सकते हैं मिर्च एकदम अच्छे तरीके से इसमें भैया डाल चुके हैं और अब इसके बाद चलाएंगे इसे तो चलिए जैसा कि देखिए भैया इसको एकदम अच्छे तरीके से पकड़ के एकदम ताकत चला रहे हैं भाई जैसा कि देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से प्याज और जितना सारा सिस्टम है सब कुछ डाल के एकदम अच्छे तरीके से लाल हो चुका है। चलिए अब इसके आगे क्या होगा चलते हैं देखते हैं। अब मसाला भैया डालने के लिए बोल रहे हैं चलिए फटाफट मसाला इसमें डाल देते हैं। तो गाइस देखिए गुलांडा अपने खाने के लिए इसका मुर्गी का पंजा लेते आया खाने के लिए हम सब तो नहीं खाते देखिए गुलांडा खाएगा आपको दिखाएंगे वीडियो में कैसे खाता है। जैसा कि देख सकते हैं भैया इसमें मसाला ले लिए हैं गर्म मसाला अब इसमें डाल रहे हैं अच्छे तरीके से डाल चलाएँगे कचक कचक एकदम और इसके बाद देखिए और सारा वैरायटी का मसाला रखा हुआ है अलग अलग कंपनी का देखिए अलग ब्रांड खुल रहा है कौन मसाला धनिया पाउडर है धनिया पाउडर गरम मसाले के बाद धनिया पाउडर इसमें डाल दिया गया है अब इसके बाद देखते हैं भैया क्या डालते हैं ये कौन सा चीज़ है भैया हल्दी पाउडर गरम मसाला हल्दी पाउडर है चलिए हल्दी पाउडर और गरम मसाला दोनों मिक्स है उसको भी सिस्टम इसमें डाल देते हैं और देखिए जैसे कि सारा सिस्टम इसमें डालता हुआ चला जा रहा है अब देखते हैं भैया और कौन सा सिस्टम इसमें डाल रहे हैं तो अब इसके बाद क्या डालेगा भैया चिली पाउडर तो इसके बाद चिली सब चीज़ ध्यान से देखते रहेगा कि इसके बारी बारी से क्या क्या भैया डाल रहे हैं क्योंकि बिरयानी का 5 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। कंट्रोल
अब देखते हैं गाइस इसके बाद भैया क्या करते हैं। पूरा पैकेट ही डाल देंगे भैया? नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा पानी, इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है इसको चलाने के लिए, ताकि एकदम अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो जाए। जैसे कि पानी वहाँ पे रख दिए हैं, अब चल रहे हैं इसमें कुछ चाल में, तो देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं ताकि सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे कुछ चावल बाकी था उसको इसमें डाल दिए, उबल रहा है चावल। और यहाँ पे देखिए हम लोग का चिकन एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है यहाँ पे। और भैया इसमें और पानी डाल रहे हैं ताकि और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया जाए। आप तो देख सकते हैं एकदम मस्त लग रहा है देखने में। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा चावल बचा हुआ था भैया उसको उबाल रहे हैं। चावल हो गया भैया? तो जैसा कि देखिए कितना परसेंट होना चाहिए? 70% यहाँ पे होना चाहिए। चावल थोड़ा कच्चा रहेगा तभी सही रहेगा। और गोलांडा सब लोग यहाँ पे बकलोड़ाई करने के लिए आ गए हैं। तो ये हमेशा अपना वीडियो बना चक्कर मस्त रहते हैं और ये बेचारा भाई के आ गया सारा सिस्टम करते हुए। गोलू अपना गोड़ी ढूंढ रहा था, गोड़ी ढूंढ करके देखिए गाइस भाग रहा है, वहाँ पे भाग गया है और कच्चा ही खा जाता है राक्षस। गजब बेइज्जती है। चावल लेके जा। पे आ चुके हैं, चावल लेकर के जा रहे हैं। जरा चावल का काम इसी को सौंप दिया गया है। तो आदर्श आपको कैसा लग रहा है चावल ढोने में? क्या लग रहा है? कह रहा है बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम लोग का जो चिकन है, अब भैया इसको इसमें डालेंगे। चलिए चिकन को डालते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हैं कितना लाजवाब लग रहा है चिकन उठा उठा के डालने में। आह हा, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा इसे, बस थोड़ा चला देंगे पूरा भूजेंगे अच्छे से, पकाएंगे इसी में। चलिए तो गाइस देख सकते हैं एकदम लाजवाब लग रहा है। इसको उठा के चलिए अब इसको एकदम अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। तो गाइस एकदम अभी इसे कच्चा है, लेकिन क्या करते हैं पक जाएगा तभी खा पाएंगे, कच्चे तो खा पाएंगे नहीं। तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है। चलिए अच्छे तरीके से बन जाएगा तब थोड़ा सा अच्छे तरीके से खाया जाएगा हम सब। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं अब यहाँ पे भैया इसको खोलने जा रहे हैं और देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से सारा जो हम लोग का जो चिकन का जो पीस है इसमें देखिए एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। चलिए भैया चलाते हैं इसको, अच्छे तरीके से चलाया जाता है इसे। देखिए थोड़ा भाप एकदम ऊपर आ रहा है उड़ करके। तो देख सकते हैं पूरा चिकन एकदम लबलबा जा रहा है इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे? चिकन होने के बाद चावल डालेंगे। इसके बाद इसी में ऐसे डाल देंगे चावल ऊपर से ही? नहीं, इसको निकालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसको निकालने के बाद इसमें चावल डाला जाएगा और फिर चावल होने के बाद फिर उसमें चिकन उकन डाल उल के एकदम अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं एकदम चिकन आप लोग को दिख रहा होगा, तो कैसा दिख रहा है? और मुँह में तो पानी आ ही गया होगा, करण इसके आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग को तो मिल पाएगा नहीं, खाएंगे तो हम ही सब। तो आप लोग को मुँह पानी आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब इसको ढकने जा रहे हैं भैया। चलिए भैया अब इसको ढकने जा रहे हैं, तब तक चिकन को बाहर बोल देते हैं। चलिए तब तक ब्लॉग में आप सब बने रहिए। एकदम चिकन एकदम अच्छे तरीके से हो चुका है भाई। जैसा कि देख सकते हैं चिकन उकन में मसाला वसाला भैया डाल चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब इसके बाद देखिए चलाने जाएंगे। चलिए चलाइए अच्छे से। तो महक तो आपके पास नहीं जा रहा होगा, बस देख कर ही संतोष करिए। कब चोरा डालेंगे भैया? हो गया, पक गया अच्छे से? बस चिकन को थोड़ा सा और 5 मिनट। 5 मिनट भैया बोलने और अच्छे तरीके से हो जाने दीजिए, उसके बाद चावल डालेंगे। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं चावल यहाँ पे एकदम रेडी हो चुका है। तीनों जगह चावल एकदम अच्छे तरीके से आ चुका है। अब भैया बोले थे 5 मिनट तक उसमें उसको रखेंगे, तो जैसा कि 3 मिनट हो गया, 2 मिनट और भैया उसको उसमें रखेंगे, उसके बाद फिर उसको निकालेंगे। इसके बाद सारा चावल जो उसमें जाएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद बनेगा बिरयानी। जैसा कि देख सकते हैं भैया बोले थे 5 मिनट बाद, 5 मिनट जैसा कि हो चुका है। अब इसमें से चिकन उकन सब कुछ बाहर निकालेंगे और चावल उसमें डालेंगे, यही ना? आधा चिकन भैया बोल रहे हैं निकाला जाएगा इसमें से। तो देखिए एकदम चकाचक चिकन निकल रहा है।
निकालिए निकालिए निकालिए, जल्दी निकालिए। जैसा कि देख सकते हैं चिकन निकल रहा है इसमें से। एकदम देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है। निकालिए हो मजे को निकालिए भैया, बोले आधा निकालने के लिए। तो जैसा कि देखिए आधा निकल चुका है, आधा उसमें छोड़ दिए हैं भैया। तो गाइस जैसा कि देखिए भैया अब चावल को उसमें डाल रहे हैं भगोने के अंदर। देखिए ये गया चावल इसमें भगोने में। तो जैसा कि देखिए चावल इसमें डाल रहे हैं, सब इकट्ठे डाल देंगे आराम आराम से डालेंगे। तो भैया बोल रहे हैं कि आराम आराम से चावल इसमें डाला जाता है, इकट्ठा डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं चावल वाइट एंड रेड कलर का है, सही इसमें जा रहा है। बहुत गजब लगता चावल। तो गाइस जैसा देख सकते हैं पेट्टू है हमेशा दिन भर खाता रहता है, और यहाँ पे भैया चावल को अच्छी तरीके से सजा दिए हैं। हम दूसरा भगोना उठाएंगे और चावल को फिर उसमें पलटी करेंगे। तो गाइस भैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा टंगरी दिया जाएगा खाने के लिए। भैया है कि हम लोग का एकदम अच्छे तरीके से बन जा रहा है। तो ये जिस तरीके से सजा देते हैं, तो जैसा कि देखिए एक लेयर इसके नीचे है और दूसरा लेयर इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं एकदम भैया एकदम अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल रहे हैं, एकदम फैला फैला करके। जैसा कि आप सब देख सकते हैं किस तरह भैया इसको फैला रहे हैं, और ग्रेवी तो एकदम गाढ़ा है, एकदम चकाचक। लास्ट बार हम लोग खाए थे 24 अप्रैल को। तो जैसा कि सोना कर लास्ट बार हम तो 24 अप्रैल को खाए थे। तो जैसा कि देखिए भैया इसको फैला रहे हैं, पूरा क्यों नहीं फैला रहे भैया। तो अब इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर भी चावल डालेंगे। अब ये एक लेयर नीचे है, फिर उसके बीच में चावल है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर अब इसके ऊपर भी चावल डालेंगे। तो चिकन के ऊपर चावल, फिर चावल के ऊपर चिकन, फिर चिकन के ऊपर चावल। तो ये भैया का मेरा स्टाइल है, सौरभ भैया का। अब देखिए इसके ऊपर फिर एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सजा रहे हैं। तो गाइस यदि आप लोग को मुंह में पानी आता जाता है तो तुरंत तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि देखिए हम भैया चावल और इस तरीके से फैला दिए हैं। अभी देखिए एक भगोना और बचा है, अब इसको भी ऊपर डालेंगे और फिर एकदम बेहतरीन तरीके से बिरयानी हो जाएगी तैयार। अब देखिए वाह, चावल देखिए भैया चुके हैं, और अब इसके बाद क्या करना है भैया। जैसा कि देख सकते हैं भैया गैस जलाने जा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं भैया इसको एकदम अच्छे तरीके से देसी जुगाड़ से एकदम अच्छे तरीके से इसको ढक दिए हैं, ताकि इसमें से भाप थोड़ा सा बाहर ना निकले, और भाप इसमें रहेगा तो चावल एकदम अच्छे तरीके से पक जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से भैया इसको एकदम बेलना वलाना एकदम डोला वोला के रख दिए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इंडिया भाई, देसी जुगाड़ तो लगाना बनता ही। हम लोग तैयार हो चुका है, तो अभी इसको यहाँ पे सब निकाल सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा खाने के लिए। जैसे कि आदर्श पानी वानी लेकर के आ गया है, चलो निकालिए निकालिए। जैसा कि देखिए आदर्श निकाल रहा है बिरयानी। चलिए तो पहले ऊपर नीचे कर देंगे ना। जैसा कि देखिए पहले लेग पीस आ जा रहा है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से आदर्श ऊपर नीचे कर रहा है। तो बिरयानी एकदम लजीज बना है, बिरयानी एकदम तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको कहते हैं चिकन बिरयानी, आई मीन मुर्गा बिरयानी, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। इसको साइड साइड से चला चला के ऊपर नीचे किया जाएगा। अच्छे तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लालू भैया एकदम बिरयानी बना के तैयार है खाने के लिए, और उधर आदर्श पहले बैठ गया खाने के लिए। चलिए यहाँ पे सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग को भी बांट देते हैं वीडियो में, आप लोग भी खा लीजिएगा। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।